और दिनांक 15 मार्च को डिंडोशी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर पीएसआई श्री कनेरकर और पुलिस निरीक्षक श्री राजू बंसोड़े, ये दोनों को खबर मिली कि शूशाई प्रकल्प एरिया है, वहाँ कोई शख्स है, उसके पास अमली पदार्थ है, तो ट्रैप करके दो लोगों को पकड़ में लिया। दोनों के पास चरस मिला है जिसका जो वज़न है वो 3 किलो से ज़्यादा है और उसकी कीमत जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये जो दो लोग हैं, गौरव कुमार प्रसाद और कृष्ण कुमार पंडित, ये बिहार से आए हुए हैं और प्राथमिक जो तपास में ऐसा पता चला है कि वो वहाँ से लेके आए हैं और यहाँ रिटेल में और कई लोगों को वो बेचने वाले थे, तो उसका इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। सर, इसके पहले भी इस तरह के लोगों ने धंधा कर चुके हैं और इनके साथ कितने और लोग जुड़े हुए हैं? अभी तक तो यानी इन्वेस्टिगेशन में इतना ही आया है कि यानी कि आगे कई लोगों को ये माल देने वाले थे, उसके पहले ही पुलिस ने उनको पकड़ में लिया है। इसके पहले जो गैंग पकड़ा गया था उनका और इनका कुछ तालुका थे? अभी तो नहीं है, जैसा कि दहिसर पुलिस स्टेशन ने भी 6 किलो चरस पकड़ा था लास्ट वीक, अभी ये 3 किलो का है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा ये दो गैंग में कुछ जो रिलेशन साबित हुआ नहीं या कुछ ऐसा सामने आया नहीं है। होली नजदीक आ रहा है, ऐसे में चरस इस तरह से पकड़ा जा रहा है, होली से कुछ कनेक्शन है क्या त्यौहार के लिए लेके आए हो नशे के लिए? वो तो अभी ऐसा इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ ऐसा सामने नहीं आया, लेकिन अभी दो घटना हुई है कि जैसा कि ये दोनों पुलिस स्टेशन ने प्रोएक्टिवली काम किया है कि जिनको यानी कि उनका जो खबर निकाला और इस तरह का बड़े पैमाने पे जब्त किया है। सर, कहा जा रहा है कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को ये लोग सप्लाई करते थे बॉलीवुड से भी, कुछ चिंता है ऐसा कुछ आया सामने? नहीं, अभी ऐसा कहा नहीं जा सकता। सर, मामले में और भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है क्या? हाँ, उनको आगे जाके जिनको रिटेल में बेचने के लिए देने वाले थे तो वो उनका हम तपास कर रहे हैं और हम उनका हम सर्च कर रहे हैं। सर, थैंक यू।